सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं आपको फिर से हेमिस्टर कॉम्बेट के बारे में बताने वाला हूं। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट पर हावर के बारे में। जी हां, ये पूरा वीडियो होने वाला है प्रॉफिट पर हावर पर ही, और हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट पर हावर को बढ़ाना क्यों जरूरी है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यार, क्योंकि मैंने खुद किया है और मैंने काफी ज्यादा इसको समझा कि भाई ऐसे होता है। ओके, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे ही आप इसको ओपन करते हो ना, तो आपको यहाँ पर देखो ऊपर आपका नाम लिखता है, नाम के जस्ट सामने CEO लिखता है, ठीक है। मींस कि इसको आप मैनेज कर रहे हो, एक समझ लो कि ये कंपनी है, ठीक है। इस एक मतलब सपोज दैट कि ये कंपनी है और इस कंपनी को आपको चलाना है, तो आप कैसे चलाओगे, कैसे ज़्यादा प्रॉफिट करोगे, तो पूरा मैनेज आपको ही करना है कि आप प्रॉफिट पर हावर को बढ़ाओगे, कि आप कितना का कार्ड बाय करोगे। प्रैक्टिकली यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट पर हावर कितना है, 1.18 मिलियन, ठीक है ना, है ना भाई। प्रॉफिट पर हावर मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा का मेरा प्रॉफिट पर हावर है। और प्रॉफिट पर हावर का मतलब कि हर घंटे जितना भी आपका प्रॉफिट पर हावर है, उतना हर घंटे आपको मिलेगा। जैसे मान लो कि मेरा 1 मिलियन प्रॉफिट पर हावर है, तो मेरे को हर घंटे 1 मिलियन मिल जाएगा। अगर मैं कुछ काम भी नहीं करूंगा, यहां पर कुछ टैप टैप ऐसे नहीं करूंगा ना, फिर भी मेरे को 1 मिलियन मिल जाएगा फ्री में। बट उसके लिए एक कंडीशन है, छोटा सा कंडीशन है। जैसे कि यहां पर देखो, जो प्रॉफिट पर हावर है, यहां पर आई का एक बटन है छोटा सा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बोल रहा है, अगर आप यहाँ पर 3 घंटे से ज्यादा ऑफलाइन रहते हैं, तो आपका जो ऑटोमेटिक पैसा जो बढ़ रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। मींस कि हर 3 घंटे के अंदर ही आपको इस ऐप को एक बार ओपन करके, आप एक बार ओपन करो, फिर से आप कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसे आप क्लेम कर लो, फिर आप कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हर 3 घंटे के अंदर एक बार आप इसको ओपन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे मैं माइंस पर जाता हूँ ना, और देखो यहाँ पर मैं लीगल में जाता हूँ, या कोई भी कार्ड यार मेरा, देखो हर कार्ड मेरा 10 लेवल से ऊपर का हो चुका है। और अगर मैं कोई भी कार्ड में बाय करना चाहता हूँ, तो ये देखो मैं लीगल में आता हूँ, एंड नीचे यहाँ पर देखो लाइसेंस फिलीपींस है, जो यहाँ पर देखो 2 मिलियन, देखो 2 मिलियन यहाँ पर मेरे को देना होगा। और मेरे को प्रॉफिट पर हावर कितना मिलेगा, वही 11,000, मतलब लगभग 12,000 मेरे को प्रॉफिट पर हावर मिलेगा 2 मिलियन में, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पर एक और है, ये वाला है इंडोनेशिया वाला, 2.38 है, ओके। इतना मिलियन में मेरे को सिर्फ 10,000 लगभग प्रॉफिट पर हावर मिल रहा है, मतलब हमारा पैसा ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। जैसे ही आपका लेवल अपग्रेड होता रहेगा कार्ड का ना, वैसे ही आपका प्रॉफिट पर हावर कम मिलेगा और पैसा आपका ज़्यादा लगेगा एक कार्ड को बाई करने में, ठीक है। बट कोई नहीं, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है प्रॉफिट पर हावर से, कि अगर हम प्रॉफिट पर हावर को बढ़ाते हैं तो क्या आगे चलकर हमको प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट पर हावर बढ़ाने में हमारा पैसा, मतलब हमारा यहाँ पर क्वाइन बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। एंड अगर मान लो हम प्रॉफिट पर हावर को बढ़ा ले और हमारा कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए मतलब काफ़ी लोग बाय भी नहीं कर रहे हैं कार्ड को, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग बाई करो, अच्छे से समझो कि किस कार्ड में ज़्यादा हमको प्रॉफिट पर हावर मिल रहा है, एंड उसके हिसाब से बाई करो, ठीक है। चलो मैं आपको फटाफट से कैलकुलेट करके अब बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर 1 मिलियन प्रॉफिट पर हावर है, मीन्स कि मेरे को 1 मिलियन पर हावर मिल रहा है, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ फटाक से, 1 टाइप करता हूँ, ठीक है, 1 टाइप करता हूँ, 1 मिलियन ही हो चुका, ठीक है, 1 करता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, क्योंकि एक दिन का मैं ले रहा हूँ भाई, कि हाँ 24 घंटे में मेरे को, मतलब अगर एक मिल रहा है तो भाई मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मेरे को 24 मिलियन यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है, 24 मिलियन यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा एक दिन में। और अभी टाइम कितना है, लगभग 15 दिन तो होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसी मंथ में लॉन्च होने वाला है, मतलब लगभग 15 दिन समय है, चलो 15 दिन समय है, ठीक है। तो 24 यहाँ पर एक दिन में 24 मिलियन हो चुका है, अगर हमारा 1 मिलियन प्रॉफिट पर हावर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई फिर से करता हूँ 15 दिन के लिए, ठीक है, 15, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, 360 मिलियन, 360 मिलियन हो जाएगा हम लोगों को 15 दिन के अंदर, अगर आपके पास 1 मिलियन प्रॉफिट पर हावर है तो, ठीक है। अगर वहीं पर हमारा 2 मिलियन प्रॉफिट पर हावर है, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं 24, ठीक है, 48 हो चुका है, ठीक है। फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 दिन से, ठीक है ना। अब देखो 720 मिलियन हमको ये फ्री में मिल जाएगा, अगर हमारे पास
दो मिलियन रहेगा प्रॉफिट पर हावर। तो अब भाई अब समझो कि हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोगों को भाई डेली साइफर में एक मिलियन मिल रहा है पर डे, और यहाँ पर डेली रिवार्ड में सॉरी डेली कॉम्बो में हमको 5 मिलियन मिल रहा है। ये तो हमको हमेशा मिलता रहेगा, अगर हम प्रॉफिट पर हावर को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं हमको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है ना। बट अगर इसके अलावा बात करें कि डेली साइफर और डेली कॉम्बो नहीं है, इसके अलावा आप कहाँ से अपने कॉइन्स को बढ़ा सकते हैं रिफरेंड अर्न करके, तो काफ़ी लोग मतलब रिफरेंड अर्न नहीं कर पाते, ठीक है। तो रिफरेंड अर्न का तो मतलब बहुत बहुत कम लोग ही फ़ायदा उठा पाते हैं, जो लोग रिफर ज़्यादा कर पाते हैं। तो यही रास्ता है कि आप अपने क्वाइंस को बढ़ा सकते हो। मान लो 1 मिलियन, चलो 1 मिलियन भी है, तो 360 मिलियन कैसे आप यहाँ पर कलेक्ट कर पाओगे? कहीं से भी आपका कोई भी उपाय नहीं है कि 360 मिलियन आप 15 दिन के अंदर यहाँ पर कलेक्ट कर पाओ बिना प्रॉफिट पर हावर बढ़ाए, ठीक है। तो प्रॉफिट पर हावर को बढ़ाओ अभी, यहाँ पर आप उतना क्वाइन मत देखो, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने कल इसके बारे में काफ़ी सोचा समझा, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको समझा तो मेरे को समझ में आया अभी के समय में, क्योंकि अभी 15 दिन तो टाइम है ना भाई। अगर मान लो कि हम अपना सारा पैसा अभी प्रॉफिट पर हावर बढ़ाने में लगा देते हैं, मान लो कि हम 1.5 मिलियन 2 मिलियन प्रॉफिट पर हावर कर लेते हैं, तो भाई हमको 15 दिन में 500 मिलियन हमको मिल जाएगा फ्री में, समझ रहे हो। और अगर हम अभी यहाँ पर अपना पैसे को बचा कर रखते हैं, सॉरी अगर हम अपने क्वाइंस को बचा कर रखते हैं कि यार बहुत महंगा कार्ड है हमको उसको बाय नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, हम बाय नहीं करेंगे। मान लो आपके पास 100 मिलियन भी है, आप उससे कार्ड को बाय नहीं करते हो, प्रॉफिट पर हावर को बढ़ाते नहीं हो, तो आपका जो 100 मिलियन है ना, वो 100 मिलियन के जगह पर 100 मिलियन ही रह जाएगा, वो आपका ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि इसको एक बिजनेस के तौर पर देखना है, कि अगर आपके पास पैसा है तो उसको उस पैसे को आप रखो मत, उसको इन्वेस्ट करो, मीन्स उसको कार्ड में इन्वेस्ट करो। मैंने बोला था ना भाई कि बिजनेस टाइप का है, तो सेम आपको बिजनेस टाइप का ही यहाँ पर आपका माइंडसेट लगाना होगा। ये जो कार्ड है इसको आप प्रोडक्ट समझ लो, इसको आप प्रॉपर्टी समझ लो, जो समझना है वो समझ लो, इतना आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अपने प्रॉफिट पर हावर को नहीं बढ़ा पाओगे तो भाई सच बोल रहा हूँ कि आप 100 मिलियन 200 मिलियन जाते जाते ये लॉन्च हो जाने वाला है, ठीक है। 100 200 मिलियन जाते जाते लॉन्च हो जाने वाला है, इससे आप ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, देखो अभी मेरा 1.18 है, तो मैं इसको ट्राई करूँगा। अगर 2 मिलियन अगर मेरा हो जाए, अगर 2 मिलियन अगर हो जाएगा एक दो दिन के अंदर, तो भाई मैं 700-800 मिलियन तक 15 दिन के अंदर टच कर लूँगा, और वो भी प्रॉफिट पर हावर के दम पर ही, ठीक है। तो मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए, एंड मैंने इसको काफ़ी इसके बारे में मैंने समझा सोचा इसके बारे में कि हाँ भाई प्रॉफिट पर हावर क्यों ज़रूरी है। रैंक बढ़ाने में एक जरूर तो है ही, बट उससे भी ज़्यादा जरूरी है क्वाइंस बढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही आपका क्वाइंस ज़्यादा बढ़ने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दो, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लो, जो लोग नए हैं वो लोग ज्वाइन कर लो, एंड आप लोग काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, एंड आप लोग भी अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट लेकर जा सकते हो। जो भी आपको समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी चीज़ है जो आपको समझ में इसमें नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके बता दो, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।